हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बागी बिगाड़ सकते हैं संगठनों का चुनावी खेल, हर बार की भांति इस मर्तबा भी अपनों से होगी लड़ाई। राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनावी रणभूमि तैयार हो चुकी है। एबीवीपी और एनएसयूआई ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। एबीवीपी ने अध्यक्ष के लिए राजपाल चौधरी को टिकट दिया है। इसके साथ ही महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर दिनेश चौधरी को मैदान में उतारा है। अनुराधा मीना को उपाध्यक्ष और मीनल शर्मा को संयुक्त सचिव पद के लिए टिकट दिया गया है। इससे पहले पूरे एक दिन और एक रात मंथन करने के बाद एबीवीपी ने मजबूत माने जा रहे उम्मीदवार दिनेश चौधरी को मैनेज करने में कामयाबी हासिल भले ही कर ली हो, लेकिन इसके बावजूद अमित बड़बड़वाल द्वारा निर्दलीय ताल ठोकने के कारण संगठन के उम्मीदवार राजपाल चौधरी की राह आसान नहीं रह गई है। इधर एनएसयूआई ने भी देर रात अपना पैनल घोषित कर दिया। अध्यक्ष पद के लिए रणवीर सिंघानिया को टिकट दिया गया है। महासचिव के लिए चेतन यादव, उपाध्यक्ष सोनल गुजर और संयुक्त सचिव पद पर नुमान खान को प्रत्याशी बनाया गया है। सभी उम्मीदवारों ने आज विश्वविद्यालय में रैली के रूप में आकर ताकत दिखाने का प्रयास किया, लेकिन विश्वविद्यालय और पुलिस प्रशासन की मजबूती के चलते छात्रों की भीड़ को विश्वविद्यालय परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची छात्र नेताओं के कारण JNN मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।